दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन से एक न्यू ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के स्क्रीन पर आ जाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोन में एक इस प्रकार का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा ईमेल का। तो आपको इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। न्यू ईमेल क्रिएट करने के लिए आपको भी इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद अब आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर राइट साइड में एक आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आपको सिंपल से उस वाले आइकन पर प्रेस करना है और जैसा ही आप इस पर प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा ऐड अनोदर अकाउंट का ऑप्शन। तो आपको सिंपल से ऐड अनोदर अकाउंट पर प्रेस कर देना है। उसके बाद अब आपको फिर से यहाँ पर एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा गूगल का ऑप्शन। तो न्यू ईमेल आईडी आपको यहाँ क्रिएट करने के लिए गूगल पर प्रेस कर देना है। तो उस पर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है और अब आपको यहाँ पर जो भी अपने फ़ोन में पैटर्न या पासवर्ड लॉक लगा है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको फिर से यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। अगर आप न्यू ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर प्रेस करना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर वर्क और माय बिजनेस का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर फॉर माय पर्सनल यूज पर प्रेस कर देना है। तो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम का ऑप्शन। तो आप अपना नेम को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी आपका फर्स्ट नेम है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने दोस्त के नाम से बनाता हूँ तो उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लास्ट नेम पर प्रेस करना है और आपको यहाँ पर लास्ट नेम को टाइप कर देना है। तो टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद अब आपको फिर से इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ डेज और ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ और जेंडर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन। तो सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इस टाइप का एक पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर क्रिएट अ जीमेल एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो भी ईमेल आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यू कैन यूज लेटर्स नंबर एंड पीरियड, तो आपको ये सारे आपको यहाँ पर मिला के जो है अपने ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक न्यू ईमेल आईडी टाइप कर लेता हूँ। तो आपको भी अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। ईमेल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो आपको यहाँ पर याद रखें कि पासवर्ड जो है आपको लेटर और पीरियड तीनों मिलाकर आपको यहाँ पर बनना चाहिए, तभी जाके आपका पासवर्ड जो है यहाँ पर मजबूत होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, तो आप भी अपना पासवर्ड टाइप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड को टाइप कर लिया हूँ, तो आप भी अपना पासवर्ड टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। तो जैसा ही आप नेक्स्ट पर प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यस आई एम इन का ऑप्शन। तो सिंपल से आपको यहाँ पर यस आई एम इन पर प्रेस कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर इस पर प्रेस कर दिया हूँ, तो आपको भी यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो है ईमेल आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना न्यू ईमेल आईडी को बना सकते हैं।
तो उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पर फिर से नीचे आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आई एग्री पर आपको प्रेस कर देना है। जैसा ही आप आई एग्री पर प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार का एक इमेज आएगा और आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है, तब यहाँ पर आपका जो है ईमेल बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में न्यू ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मेरा न्यू ईमेल आईडी बन चुका है। तो आपको उस आईडी को भी देखने के लिए फिर से आपको राइट साइड में इस वाले आइकन पर प्रेस करना है, और आपको यहाँ पर प्रेस करने के बाद आप जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए अभी अभी जो ईमेल क्रिएट किया हुआ है नीचे आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी इस ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर उस वाले आईडी को टाइप कर लेता हूँ। तो जैसा ही आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी अभी अभी आप जो बनाइएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से एक मैसेज गिरेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जो है अभी ईमेल तरफ से एक मैसेज आ चुका है, तो इसी टाइप से आपके भी सामने में आ जाएगा। तो जैसा आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग अप योर न्यू गूगल अकाउंट। तो इसी प्रकार से आप जो है ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं।